अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इन टुडेज लेक्चर वी विल डू सम कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऑफ यूनिट 11 साउंड. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाई टू टिन कैन विद अ स्ट्रिंग स्ट्रेच बिटवीन देम कुड बी बेटर कम्युनिकेट देन मैरिली शाउटिंग थ्रू द एयर. वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि क्यों दो टिन्स, जब दो टिन्स को अटैच करें एक स्ट्रिंग से, एक पर्सन यहाँ पर खड़ा होगा, एक पर्सन यहाँ पर खड़ा होगा, और वो कम्युनिकेट करेंगे वाया दैट कैन, और क्यों वो ज़्यादा बेहतर है देन शाउटिंग थ्रू द एयर के हम बजाय इसके कि हम हवा में चिल्लाएं एक दूसरे से. अगर दो पर्सन एक दूसरे के दूर खड़े हुए हैं, किसी डिस्टेंस से खड़े हुए हैं, तो ये आपने स्पीड ऑफ साउंड वाले यूनिट में पढ़ा है कि हमारे पास जो साउंड है वो ट्रैवल करती है फास्टर इन सॉलिड देन इन एयर और लिक्विड. सो हाउ विल यू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज एज साउंड ट्रैवल फास्टर इन सॉलिड्स देन एयर, सो इट इज बेटर वे टू कम्युनिकेट बाय यूजिंग टू टिन्स अटैच विद अ स्ट्रिंग देन द एयर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11.2. वी कैन रिकोगनाइज पर्सन स्पीकिंग विद द सेम लाउडनेस फ्रॉम देयर वॉइस, हाउ इज़ दिस पॉसिबल? वो क्या कह रहे हैं कि हम पर्सन की स्पीकिंग को रिकोगनाइज कर रहे होते हैं जब वो बोल रहा होता है उसकी वॉइस से, ये कैसे पॉसिबल है? तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे कि उसकी क्वालिटी की वजह से, उसकी क्वालिटी की वजह से, यानी कि क्वालिटी वो फैक्टर है जिसकी वजह से हम वॉइस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कोई क्वालिटी जो है हर किसी की वॉइस की डिफरेंट होती है. जैसा कि वेव फॉर्म है, वेव फॉर्म जो है हर साउंड की, हर पर्सन की डिफरेंट होती है, इसी तरह जो हर वॉइस की क्वालिटी होती है वो डिफरेंट होती है. वी कैन रिकोगनाइज द साउंड ऑफ द पर्सन एज अ वेव फॉर्म, सो साउंड ऑफ टू पर्सन विल बी डिफरेंट. सो क्वालिटी इज़ द फैक्टर ड्यू टू विच वी कैन रिकोगनाइज द वॉइस. क्वेश्चन नंबर 3 इज़ यू कैन लिसन टू योर फ्रेंड अराउंड अ कॉर्नर बट यू कांट वॉच हिम और हर, वाई? वो कह रहे हैं आप अपने दोस्त को अराउंड द कॉर्नर सुन सकते हैं लेकिन उसको देख नहीं सकते, उसको वॉच नहीं कर सकते, क्यों? So the answer of question number 3 is voice can be listened around a circle. जब आप देखते हैं आपका friend around the corner खड़ा हुआ है किसी circle के, तो आप उसको देख नहीं पाते, सुन पाते हैं, तो इसकी क्या reason होगी? As the wavelength of sound is higher, sound की wavelength higher होती है जबकि जो light की wavelength होती है वो smaller होती है. Sound की wavelength higher होती है जिसकी वजह से जब वो obstacle से bend करती है, जो कि वो pillar है या वो circle है, around the corner है, वहाँ से जब bend होगी then we can easily hear the sound. और जबकि light की wavelength smaller होने की वजह से then the wavelength of sound, so after bending from obstacle we can watch the person. जब वो light bend करेगी obstacle से तो हम उस person को watch कर पाएंगे.